हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अप्सरा। तो आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दोस्तों कि Xiaomi की तरफ से कुछ लीक्स बाहर आ रहे हैं। Xiaomi लॉन्च करने जा रहा है अपना न्यू मिनी स्मार्टफोन विथ स्नैपड्रैगन 870 एसओसी प्रोसेसर विथ मॉडल नंबर L3 एंड L3A, और इसमें आपको मिल सकता है 6.3 इंच डिस्प्ले। फिलहाल दोस्तों Xiaomi फोकस कर रहा है अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर, जो कि हो सकता है Xiaomi 12 अल्ट्रा। इसमें आपको मिल सकता है लाइका पावर ऑप्टिक्स विथ ट्रिपल कैमरा सेटअप, 200 MP मेन सेंसर एंड 50 MP मेन कैमरा सेंसर एंड अल्ट्रा वाइड सेंसर। वन प्लस की तरफ से रेंडर आ रही है दोस्तों। वन प्लस 10 नॉट की रैमर बेस्ड इमेजेस से पता चल रहा है दोस्तों, इसमें आपको ब्लॉकी शेप का डिजाइन मिलने वाला है एंड फ्लैट एजेस, जो कि हमें आईफोन 13 एस एल्युमिनियम एजेस की याद दिलाता है। बात करें इसके बैक डिजाइन की तो इसमें आपको मिलेगा 3 आइसोलेट कैमरा विद स्नैपड्रैगन 695 5G। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले विद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। मोटोरोला के टैब G20, जो कि लॉन्च करने के बाद मोटो अब और अपने टैब लॉन्च करने जा रहा है, जो कि हो सकता है मोटो टैब G70, जो देखने में एक मिड रेंजर टैबलेट लग रहा है। इसके स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा 15:9 का डिस्प्ले, जो कि 10 या 11 इंच का होगा, जो रन करेगा एंड्रॉयड 11 पर विथ 4GB रैम एंड 64GB और 128GB स्टोरेज। इसमें दोस्तों मिल सकता है आपको मीडिया टेक कंपनियो 500 या हीलियो G90T। ओप्पो के A95 5G के बाद अब ओप्पो लॉन्च करने जा रहा है अपना लाइटर वर्जन, जो होगा ओप्पो A95। इसका डिजाइन सिमिलर होगा 5G वेरिएंट की तरह, और ये आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर विद 8GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ स्टोरेज। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें मिलेगा 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले विद FHD+ रेजोल्यूशन एंड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही। कैमरा में आपको मिलेगा 48MP प्लस 2MP प्लस 2MP डेप्थ सेंसर। बैटरी की बात करें तो आपको मिलेगी इसमें 5000mAh की बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग विद एंड्रॉयड 11। सैमसंग की तरफ से न्यूज आ रही है दोस्तों कि सैमसंग अपने एंट्री लेवल स्मार्टफोन गैलेक्सी AO3 को लॉन्च करने जा रहा है। इसमें आपको मिलेगा 6.5 इंच का LCD HD स्क्रीन विद रेजोल्यूशन ऑफ 5MP सेल्फी शूटर विद वाटर ड्रॉप नॉच, और इसमें आपको मिलेगा यूनिसॉक SC98638 प्रोसेसर विद 2GB रैम एंड 32GB स्टोरेज और साथ ही 5000mAh की बैटरी। अगर आप WhatsApp ऐप को विंडोज के लिए यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों WhatsApp बेटा लॉन्च हो चुका है, जो कि विंडोज ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी न्यूज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।